हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम श्वेता है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मैं आपको बता दूं कि मेरे दो बच्चे हैं, दोनों जुड़वा हैं, एक बेटा है एक बेटी है। बेटी का नाम यशिका है और बेटे का नाम रुद्रांश है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो आज है क्रिसमस और आप सभी को मैरी मैरी क्रिसमस। तो आज से ठीक 7 डेज के बाद में, दैट इज इंक्लूडिंग टुडे, 7 डेज के बाद में स्टार्ट होने वाला है हमारा नया साल 2021 आने वाला है। और 2020 में आई होप जो भी चीज़ें हुई है, बुरी चीज़ें अच्छी चीज़ें जो भी हो 2020 में ही रह जाए और 2021 हमारा बहुत ही अच्छा जाए। और जो भी चीज़ें अभी जो भी दिक्कतें आ रही हैं अभी 2021 में, बस भगवान से प्रे करना है कि ऊपर वाले से प्रे करना है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, उनके लिए प्रे करना है कि वो हर एक चीज़ का हमारा तोड़ निकाल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का नया व्लॉग। अब मैं चलती हूँ खाना बनाने के लिए और इन द मीनवाइल आप देखो कि क्रिसमस ट्री की डेकोरेशन किसने की है और कैसे की है। चलो यशिका और रुद्रांश को रेडी करने के लिए सांता क्लॉज के ड्रेस में। और ये मैंने रुद्रांश को रेडी कर दिया, अब यशिका की बारी है तो यशिका को भी मैं फटाफट से रेडी कर देती हूँ। और यहाँ पे रुद्रांश टोपी बिल्कुल भी नहीं पहनना चाह रहा है, जो सांता क्लॉज का जो कैप है, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ बट वो बिल्कुल भी नहीं पहनना चाह रहा है। और यशिका को तो मैं जैसे तैसे पहना रही हूँ बट पता नहीं कि वो कितनी देर तक ये पहने भी रहेगी और कैप वो कितनी देर तक अपने सर पे रखेगी, ये भी मुझे नहीं पता, बट देखते हैं क्या होता है। जल्दी आ जाओ। तो ये है मेरी यशिका सांता क्लॉज। ये यशु, व्हाट हैव यू ब्रॉट फॉर मामा? यशु, मामा के लिए क्या लाया है सांता क्लॉज? सांता क्लॉज के पॉकेट में क्या है? सांता क्लॉज के पर्स में क्या है? गोलू? हाँ, यस, वाओ, मेरा दूसरा सांता क्लॉज रुद्रांश। रुद्रांश क्या लाया मम्मा के लिए? बोलो मम्मा। मम्मा मैं क्या लाऊं? आप लेके आओगे ना मेरे लिए? हाँ हाँ बोल रहा है। रुद्रांश माय टू सांता क्लॉज, वाओ वाओ। रुद्रांश कैप ठीक कर लो बेटा। बस हाँ, वी विश यू अ मैरी क्रिसमस, वी विश यू अ मैरी क्रिसमस, वी विश यू अ मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर।
ये जो ड्रेस है इनकी, तो ये बुध बाजार से लिया था, जयंत ने लेकर के आया था, मैं नहीं लेके आई थी। और ये ओनली 150 रुपीज़ का पड़ा है ईच, मतलब इसमें टोपी और ये ऊपर का और नीचे का, और एक झोला जो यहाँ पे गिरा हुआ है, और यशी का यहाँ पे है। वाओ, टू टू सेंटा क्लॉज, वन सेंटा क्लॉज, टू सेंटा क्लॉज। हेलो सेंटा क्लॉज, सेंटा क्लॉज, सेंटा क्लॉज। तो चलिए जी, मैं आ गई हूँ अभी किचन में खाना बनाने के लिए। और आज खाने में, मतलब रात के खाने में, बहुत ही अलग सा खाना बन रहा है। तो मैं बना रही हूँ पास्ता। और पास्ता बनाने के लिए मैंने तो पहले मैक्रोनी को बॉईल कर लिया पानी में, और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में बटर डाला था। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें गार्लिक डाल लिया, बहुत ही बारीक काट करके मैंने रखा था, लहसुन वो डाल दिया, और चिली फ्लेक्स मेरे पास में पहले से ही पड़े हुए थे तो वो मैंने इसमें डाल दिया है, और थोड़ा सा ही डाला है क्योंकि जयंत को उतना ज़्यादा मिर्ची पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही डाला है चिली फ्लेक्स इसमें। तो ये जो लहसुन है वो मैं पूरा ब्राउन नहीं करूँगी, हल्का सा ये भुन जाए। उसके बाद में मैंने प्याज काट करके, दो बड़े प्याज काट करके रखे हुए थे, तो वो मैं इसमें मिला दे रही हूँ, और प्याज को हल्का सा पिंक होने तक मैं इसको भून लूँगी। तो प्याज मेरा भुन चुका है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। तो टमाटर मैंने तीन बड़े टमाटर काट के रखे हुए थे, ऐसे ही रफली चॉप कर लिया मैंने, और उसके बाद मैंने इसमें मिला दिया है, और इसको मैं थोड़ी देर ऐसी तरीके से चलाऊँगी। और उसके बाद में मैं इसमें डाल दे रही हूँ नमक। तो नमक डाल दूँगी तो टमाटर अच्छे तरीके से गल भी जाएगा, और अच्छा सा हमारा एक टोमेटो का वो पेस्ट जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, सॉस वगैरह जो भी होता है वो तैयार हो जाएगा। और मैं इसमें कोई सॉस वगैरह डाल नहीं रही हूँ, जो भी है ये टमाटर और प्याज और लहसुन से ही बनाऊँगी मैं। सॉस डालूँगी बट एक्चुअली क्या है ना, बहुत ज़्यादा फिर हैवी हो जाता है, सब चीज़ एक ही चीज़ में डाल दो तो फिर, इसीलिए मैं इसमें सॉस नहीं डाल रही हूँ। और ये मैं यहाँ पे मिक्स्ड हर्ब्स मेरे पास में रखे हुए थे सूखे हुए रोस्टेड, तो वो मैं डाल दे रही हूँ, और उसके बाद में मैं इसको मिक्स कर ले रही हूँ। और थोड़ा सा मैं इसमें ब्लैक पेपर का पाउडर भी डाल रही हूँ, और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर मेरे पास में था तो वो मैं डाल दे रही हूँ। और उसके बाद में मैं थोड़ा सा मक्खन इसमें ऊपर से और ज़्यादा ऐड कर दूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सूखा हुआ ड्राई ड्राई लग रहा है ये, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मक्खन भी डाल दूँ तो अच्छा लगेगा। और वैसे भी मक्खन में कोई भी चीज़ बनाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं थोड़ा सा मक्खन मिला दे रही हूँ, और अच्छी तरीके से इसको भून लूँगी। तो ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है, और स्मेल तो आप पूछिए मत, स्मेल भी बहुत अच्छा लग रहा है इसका। और चलिए ये थोड़ा सा भून गया है, तो उसके बाद में मैं जो मैंने मैक्रोनी जो बॉईल करके रखा हुआ था तो वो मैं इसमें मिला दे रही हूँ। एक्चुअली मेरा मैक्रोनी थोड़ा सा ज़्यादा ही बॉईल हो गया, इसको इतना ज़्यादा बॉईल करना नहीं था, बट थोड़ा ध्यान इधर उधर चला गया, और उसके बाद थोड़ा ज़्यादा बॉईल हो गया। तो चलो कोई नहीं, हमें तो खाना है, किसी और को खिलाना नहीं है, तो थोड़ा सा ज़्यादा बॉईल हो गया है तो चल जाएगा, ऐसा ख़राब तो लगेगा नहीं खाने में। तो सारा मैक्रोनी थोड़ा सा भुन जाने के बाद में मैंने इसको पैन में शिफ्ट कर दिया है, और ऊपर से मैं इसमें इस तरीके से चीज़ डाल रही हूँ, तो ग्रेटेड चीज़ मिलता है मार्केट में इस तरीके से, और पैकेट में मिलता है, और नहीं तो फिर अगर क्यूब्स रहे तो उसको तो आप कद्दूकस में आप घिस करके यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इसको ढक दिया है, और इसका जो खुला हुआ है ना ये पोर्शन, तो इसको मैंने लहसुन से इस तरीके से बंद कर दिया, तो ये अपना धीमी आँच में मैंने छोड़ दिया, ये अपना होते रहेगा। और अभी मैं तैयारी कर रही हूँ सैंडविच की। तो सैंडविच के लिए मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी और कैप्सिकम और प्याज मैंने इस तरीके से छोटे छोटे बहुत बारीक तरीके से काट लिए हैं, और उसके बाद मैंने इसमें मिलाया है रेड चिली पाउडर, और मैंने इसमें मिलाया है मेयोनीज। तो ये सब कुछ अच्छी तरीके से इसके साथ में मैं मिक्स कर दे रही हूँ। एक चीज़ मैं भूल गई थी तो अभी मैं उसमें डाल रही हूँ, वो है नमक, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है।
तो इसको मैं इसमें मिक्स करके अच्छी तरीके से मिला दे रही हूँ और फिर उसके बाद मैं इसको साइड में रख दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सैंडविच ब्रेड लिया है और मक्खन मैं इसमें लगा रही हूँ। तो मक्खन मैंने एक्चुअली ठंड में क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, बाहर भी निकाल के रखो यहाँ पे फिर भी हार्ड रहता है, तो इसीलिए मुझे इसको थोड़ा सा पिघलाना पड़ा। तो ऐसे जो सॉफ्ट वाला होता है वो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको मुझे पिघलाना पड़ा क्योंकि बहुत ही हार्ड हो गया था। तो मैं इस तरीके से इसमें लगा दे रही हूँ मक्खन। और उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है पिज़्ज़ा सॉस। तो पिज़्ज़ा सॉस मेरे पास में पड़ा हुआ था कि छोटू सा पैकेट, तो थोड़ा सा बचा हुआ था तो मैं इसमें लगा दे रही हूँ। और इस तरीके से चम्मच की बैक जो पोर्शन है उसके हेल्प से मैं इसमें अच्छी तरीके से इसको स्प्रेड कर दे रही हूँ। तो दोनों जो ब्रेड के स्लाइसेस मैंने लिए हैं उसमें लगा देती हूँ अच्छी तरीके से इसको। सॉस को मैंने ब्रेड के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से लगा दिया है। और अब जो मैंने मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ था, पत्ता गोभी, कैप्सिकम और ऑनियन और मेयोनीज देकर के जो मिक्सचर मैंने तैयार करके रखा हुआ था उसको मैं इसके ऊपर लगा दे रही हूँ। और दोनों स्लाइस के ऊपर मैं लगा दूँगी। और यहाँ पर आप कटोरी में एक मसाला देख सक रहे हैं, तो वो मसाला एक्चुअली मैंने थोड़ा बहुत कुछ मसाले मिला करके बनाए घर पे। आप चाहो तो चाट मसाला डाल सकते हो। और पनीर मैं इसके ऊपर मैं ग्रेट कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे जुगाड़ वाला खाना बनाने का बहुत शौक है कि कोई सामान अगर घर में नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो खाना हम नहीं खा सकते हैं। तो कुछ ना कुछ इस तरीके से मैं करते रहती हूँ, अपना हिसाब लगाते रहती हूँ, तो इसीलिए मैंने ये मसाला तैयार किया है। तो इसमें मैंने जीरा भुना हुआ पिसा है और धनिया भुना हुआ है और इसमें आमचूर का पाउडर और थोड़ा सा मैंने सॉल्ट का पाउडर मिलाया है और थोड़ा रेड चिल्ली पाउडर मिलाया है, थोड़ा सा नमक है इसमें। तो ये सारा मसाला मैंने एक साथ में तैयार करके रखा है। नहीं हो तो चाट मसाला तो बहुत ही अच्छा होता है अगर आपके पास में अवेलेबल हो तो। मेरे पास में नहीं था तो मैंने कोई बात नहीं, मैंने कहा कि चलो ये सब चीज़ें मिला करके भी बहुत अच्छा टेस्ट हो जाएगा, तो मैंने ये यूज़ कर लिया है। और इसको मैं इस तरीके से ऊपर से छिड़क ले रही हूँ अपनी उंगलियों से। और उसके बाद में जो दूसरा जो ऊपर का जो स्लाइस लगाऊंगी मैं, तो उस पर भी मैं मक्खन अच्छी तरीके से लगा ले रही हूँ। और मक्खन लगाने के बाद में सेम प्रोसेस, वही पिज़्ज़ा सॉस जो मेरे पास में रखा हुआ था, तो उसको मक्खन लगाने के बाद में मैं पिज़्ज़ा सॉस उसके ऊपर में लगा दे रही हूँ। और फिर ब्रेड को अच्छी तरीके से प्रेस कर दूँगी मैं। तो चलिए जी, मेरा सैंडविच आधा तो तैयार हो चुका है। इसके बाद मैं इसको तवे पे सेक ले रही हूँ। आप चाहे तो टोस्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, टोस्टर में भी बना सकते हैं। मुझे तो इस तरीके से तवे पे सेकना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, तो मैं इसको तवे पे सेक ले रही हूँ। और उसके बाद में अगर आप चाहे तो थोड़ा सा ऊपर से बटर भी लगा सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने एक साइड में तो बटर लगाया है बट दूसरे साइड में नहीं लगाया है। तो इसको मैं मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से सेक ले रही हूँ। और मेरा सैंडविच देखिए बनकर रेडी हो चुका है। और चलिए अब मैं चलती हूँ खाना परोसने के लिए। क्या बोले? क्या बोला? स्टार्ट होने से ना
मेरा वो कैमरा फोबिया है, मींस क्या बोल सकते हैं उसको, कि ऐसे मन में काफ़ी सारी बातें रहेगी, बट जैसे ही कैमरा स्टार्ट होगा अपने आप को कैमरा में देखेंगे, उसके बाद मैं टोटली ब्लैंक। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और खाना वाना हमने खा लिया है, और खाना में क्या क्या खाया ये तो हमने आपको दिखा दिया, और जयंत को कैसा लगा ये आपको जयंत बताएंगे, कैसा लगा आपको खाना? बहुत अच्छा लगा। और क्या ज्यादा अच्छा लगा आपको? मुझे ज्यादा अच्छा लगा सोचना पड़ रहा है क्या अच्छा लगा, नहीं, इसका मतलब नहीं अच्छा लगा। नहीं, पास्ता अच्छा लगा। अच्छा, एज यूजुअल सैंडविच अच्छा बनाया था तुमने। अच्छा, मतलब सैंडविच मतलब समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि क्या अच्छा लगा। नहीं नहीं, अरे खाने के बाद तारीफ किए तो इसका मतलब अच्छा ही बना है। अच्छा चलो ठीक है, आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, और हमारी बहस तो अभी चलेगी रात को कि क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में और एक नए कंटेंट के साथ में। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो फिर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, बाय बाय, बाय बाय फ्रॉम सांता, बाय बाय। Thank you.